नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मौलिक अधिकार के हम अगले और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने जो भी लेक्चर लिया था उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा किया हुआ था। आज हम इसके बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार तथा संपत्ति का जो पूर्व में अधिकार की व्यवस्था थी उसे अब यहाँ से हटा करके एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो हम उसके वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसके अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पर चर्चा करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा, इसका एक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों, ये दो अधिकार हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को अपने लिपि, भाषा एवं संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। यहां पर भाषा की बात कही गई है, लिपि की बात कही गई है और संस्कृति की बात कही गई है। भाषा, लिपि या संस्कृति की बात कही गई है, तो इस तरीके से इसे बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में अधिकार व्यक्तियों, नागरिकों को यहां पर प्रदान किया गया है। और इसी भाग में यह भी कहा गया है, इसी अनुच्छेद के अगले भाग के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि अगर भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है तो इन सभी अधिकार आधारों पर, जैसे पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया था, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी धर्म है, भाषा है, लिपि है, संस्कृत है, ये सारी चीजें कल्चरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं व्यक्ति के उनसे संबंधित होती हैं। और भारत में किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय इस तरीके के आधारों पर या इनमें से किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ताकि व्यक्ति की इस प्रकार की भावनाएं सुरक्षित हो सके जिसमें उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 29 के अंतर्गत इस बात को बताने का प्रयास किया गया कि भाषा, लिपि या संस्कृत के को बनाए रखने का यहां पर नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है। और इसी तरीके से शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए सभी आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 के अंतर्गत यह बताया गया, आर्टिकल 30 के अंतर्गत बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसके प्रशासन करने, यानी कि यहां पर स्थापना एवं प्रशासन, स्थापना एवं प्रशासन, इन दोनों ही प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन यहां पर यह सुविधाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दी गई है, एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये जो सुविधाएं हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग को दी गई हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापना और प्रशासन शैक्षणिक संस्थानों को किसे दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दिया गया है। और अल्पसंख्यक वर्गों का जो आधार है वह भाषा और धर्म, भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उन्हों अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें प्रशासन करने का अधिकार होगा, यानी कि उसमें किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था होगी वह इन्हें अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 दोनों संस्कृति एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 29 जो है सभी नागरिकों के लिए दिया गया है,
अनुच्छेद 29 जो है वह सभी नागरिकों को इस तरीके की सुविधा देता है, लेकिन अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह सुविधा केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के संदर्भ में दिया गया है। और इसी अनुच्छेद के खंड 2 में इस बात को भी बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई संस्था है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि अभी तक जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये है संस्कृतियों शिक्षा संबंधी अधिकार, ये व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, उसके अपने व्यक्तित्व को कायम करने के लिए, उसे अपनी संतुष्टि के लिए तथा अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक भाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने के विभिन्न आयामों के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए, उनकी संवैधानिक व्यवस्था की गई है। लेकिन अब हम जिस अधिकार पर चर्चा करने जा रहे हैं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, यदि इनमें किसी भी तरीके की विकृति पैदा होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम हो, चाहे किसी संगठन या संस्था के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो, अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके उपचार की बात यहाँ पर कही गई है। उसके उपचार के लिए व्यक्ति न्यायालय का शरण ले सकता है, इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कह डाला है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यहां पर एक प्रश्न कभी कभी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है। अगर यह किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। लेकिन अगर केवल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वहां पर भारतीय संविधान की कुंजी क्या है, इस तरीके की अगर सवाल पूछता है जिसमें किसी भी विचारक का नाम नहीं अंकित है, तो वहां पर यह सवाल का उत्तर जो है वो प्रस्तावना होता है, क्योंकि प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान के सभी पहलुओं को या उसके भावों को, शासन के प्रणाली को, व्यक्ति के न्याय को, उसके अधिकार को उसमें व्याख्यायित करने का संक्षिप्त रूप में एक प्रयास किया गया है, इसलिए वहां पर उत्तर प्रस्तावना होगा। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो वहां पर उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो इस तरीके से इन्हीं विशेषताओं के कारण से इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और इसके 32(1) के अंतर्गत व्यक्ति न्यायालय में जाएगा ये कहा गया है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि केवल सामान्य रूप से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 32, लेकिन इसमें 32(1) और (2) की व्यवस्थाएं की गई। एक में व्यक्ति न्यायालय जाएगा और दूसरे में न्यायालय के द्वारा रिट, 5 प्रकार की रिटें इसमें जारी की जाएगी। ये किसमें जारी की जाएंगी, अनुच्छेद 32 के खंड 2 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें यहां पर जारी की जाएंगी। और इन रिटों के आधार पर व्यक्ति के किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उन अधिकारों के लिए अलग अलग प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की रिटें जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसे हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये केवल मौलिक अधिकारों के लिए जारी किया जा सकता है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी जारी किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के रिटों को जारी करने, उसके कार्यक्षेत्र, उसके प्रभाव और स्वरूप के आधार पर अंतर व्यक्त करता है। तो इस तरीके से यहां पर 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। इनमें पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। एक नंबर पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण
का तात्पर्य है कि प्रस्तुत किया जाए, अगर किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को यह आदेश देती है कि अमुक व्यक्ति यानी कि जिसको बंदी बनाया गया उसे प्रस्तुत किया जाए, उससे संबंधित सभी पक्षों का और दलीलों को सुनती है और अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे अकारण ही बंदी बनाया गया है तो वह उसे उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर देती है। तो इसी तरीके से बंदी प्रतिक्षीकरण का अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। कहने का तात्पर्य यह सार्वजनिक अधिकारियों के लिए है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है जिससे न केवल नियम का उल्लंघन होता है बल्कि जनता के कल्याणकारी कार्य बाधित होते हैं तो वैसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट जारी किया जाता है और उस अधिकारी को ये आदेश दिया जाता है कि वह अपने से संबंधित दायित्वों का प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करे ताकि उसके न करने की स्थिति में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका निराकरण हो सके। इसी तरीके से तीसरी रिट जो जारी होता है यह प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का तात्पर्य होता है कि रोकना। यह एक न्यायिक किस्म की रिट है जो कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अधिकरणों के लिए जारी किया जाता है। जब वह न्यायिक अधिकरण या न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय किसी अपने से उच्च क्षेत्र में जाकर के किसी मामले की सुनवाई कर रहा होता है तो इस आदेश के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से उस मामले की सुनवाई को रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न प्रकार के स्तर के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में शक्तियों के वितरण के आधार पर सामंजस्य बनी रहे और कोई भी न्यायालय किसी दूसरे न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप न करे। इसी तरीके से चौथी जो रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण होता है। चौथी रिट है उत्प्रेषण जारी किया जाता है, इसका मतलब सूचना देना। उत्प्रेषण बेसिकली ये भी न्यायिक प्रकार की रिटें हैं, ये दोनों ही जो है वो न्यायिक रिटों की श्रेणी में आता है और इसके माध्यम से ये विचार व्यक्त किया जाता है, सूचना दिया जाता है कि जिन मामलों पर सुनवाई की जा रही है अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के माध्यम से उसकी जो है सूचना या उसे स्थानांतरित कर दिया जाए, ऊपर इसे सीधे या पत्र के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस तरीके से उत्प्रेषण भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के न्यायिकेतर क्षेत्र यानी कि अपना जो क्षेत्र है उससे हट करके किसी मामले में सुनवाई करने के दौरान या उसमें कानूनी किसी भी प्रकार के दुर्भावना के आधार पर भी अगर कोई मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसे भी अपने पास वो स्थानांतरित करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी कर देता है। ये दोनों ही न्यायिक रिटें हैं लेकिन दोनों में समानता ये न्यायिक होने के साथ साथ ये अंतर है कि यह सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है और यह उस समय भी जारी किया जाता है जब सुनवाई के बाद उसका निर्णय दिया जा चुका हो और उसमें किसी भी प्रकार की खामियों की होने की गुंजाइश होती है या मामले के न्यायिकेतर क्षेत्र से संबंधित या न्याय क्षेत्र का मतलब होता है, न्यायिकेतर क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वह अपने जो न्याय क्षेत्र है जिसमें उसे सुनवाई करना है उससे हटकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो इन दोनों ही आधारों पर यह मामले को अपने पास स्थानांतरित करवाता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही रिटें न्यायिक रिटें हैं, यह अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, इसे प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पर हम परमादेश इत्यादि रिट को जारी करते हैं। इसी तरीके से पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत, परीक्षा का मतलब होता है पूछना, परीक्षा का मतलब होता है पूछना। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति
ऐसा कोई कार्य करता है जो वास्तव में उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसे कानूनी या विधि या प्रशासनिक रूप से नहीं प्रदान किया गया होता है, तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से ये जारी करती है कि आप यह कार्य या अमुक कार्य या एक निश्चित कार्य किस आधार पर, किस नियम के आधार पर, किस शासनादेश के आधार पर ऐसा कर रहे हैं, और यदि वह इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाती है तो वह उसे वहां से हटने के लिए या उस कार्य को छोड़ने के लिए या अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। तो इस तरीके से 5 रिटें हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं, विकृतियों को दूर किया जाता है। इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने 29 और 30 तथा 32 के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर एक आर्टिकल 31 ये भी आता है। यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि 31 के बारे में हम लोग क्यों नहीं अध्ययन करते हैं। तो 31 के संदर्भ में ये बात करना है कि पूर्व में संपत्ति का जो अधिकार था, अब उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अब उसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इसलिए उसके संदर्भ में जो संपत्ति का अधिकार है, उसकी जो वर्तमान में स्थिति है, उसकी भी जो है यहां पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत 3 प्रकार के अनुच्छेद बनाए गए हैं। 31 का जो है यह 31 का संपत्तियों के अर्जन करने वाली विधियों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। यहाँ पर कुछ संवैधानिक शब्दावलियां हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि जब हम इस तरीके का अध्ययन करते हैं विषयों का तो उन शब्दों का एक अपना संवैधानिक महत्व होता है, लेकिन हम उसके व्यावहारिक अर्थ को भी जाने ताकि व्यक्त करने के दौरान उसके अर्थ को समझा जा सके। व्यावृत्ति प्रदान की गई है, मतलब उसको छूट प्रदान की गई है। संपत्ति का अर्जन करने वाली विधियों की, संपत्ति अर्जन करने वाली विधियों को यहाँ पर छूट, संपत्ति अर्जन करने वाली विधियों को व्यावृत्ति प्रदान की गई है। संपत्ति अर्जन करने वाली विधियों को व्यावृत्ति प्रदान की गई है, अर्थात अगर कहीं पर संपत्ति का अर्जन करने से संबंधित विधि बनाई जा रही है तो उस विधियों को छूट दिया गया है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं, मूल रूप से 5 प्रकार के विधियों की बात कही गई है। जैसे सरकार के द्वारा किसी संपदा का अर्जन किया जाता है, और दूसरा है कि उस संपदा का कैसे प्रबंधन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के निगमों के सम्मिश्रण की, कारपोरेट सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, निगमों के सम्मिश्रण की बात की गई है, और चौथा है उन निगमों के जो शेयर धारक होंगे उनके अधिकार के निर्धारण के संदर्भ में भी बातें होती हैं, और पांचवा है पट्टे के संदर्भ में की गई है कि कोई लीज की बात हो रही है तो पट्टे के निर्धारण के संदर्भ में, उसके समाप्ति के संदर्भ में ये कानून बनाया गया है, और ऐसे कानूनों को जो है यहाँ पर व्यावृत्ति प्रदान करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 31 का के अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने वाले विधियों को व्यावृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि ये सभी अनुच्छेद कभी कभार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवाल इन्हीं अनुच्छेदों से पूछा जाता है, लेकिन हम चूंकि एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कई बार इसके संदर्भ में संपत्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अनुच्छेद 31 खा, तो इसमें 31 का खा और गा 3 प्रकार के नियम है, 3 प्रकार के अनुच्छेद है जिसको जान लेना आवश्यक है। 31 खा इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में अनुसूची 9 के अंतर्गत जोड़ा है, मतलब पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 हुआ था और इसके माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसी अनुसूची के अंतर्गत यह अनुच्छेद 21 खा बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले विधियों को न्यायालय में चुनौती देने से छूट प्रदान किया गया है। तो लेकिन इसमें 2007 ईस्वी में वाई के सब्रवाल की अध्यक्षता में एक संविधान की पीठ बनाई गई थी, और वाई के सब्रवाल की अध्यक्षता में बनी पीठ ने इस बात को स्पष्ट किया था कि 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में जो
बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद यह स्पष्ट हुआ है कि अब न्यायालय के द्वारा इस सूची के अंतर्गत या इस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल विषयों की भी व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, उसमें उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से 31 खा के अंतर्गत यह प्रावधान है, 31 गा के अंतर्गत यह बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में बातें की गई हैं, और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि 49 बी और सी जिसे हम आगे चर्चा करेंगे नीति निदेशक तत्वों के टॉपिक के अंतर्गत, तो नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 49 बी और सी को लागू करने के लिए, यानी कि 49 बी और 49 सी इन दोनों को अगर लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो वह कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 इन दोनों अनुच्छेदों के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही अनुच्छेदों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों से इनको ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य में जो है समानता को स्थापित करने के लिए राज्य प्रयास कर सकता है, आय को जो भी प्राप्त हो रहा है उसके वितरण में और जो भी संसाधन है उसके वितरण में कुछ नियमों को इस तरीके से बनाया जा सकता है जिससे लोगों के बीच में असमानता घटाया जा सके और समानता को बढ़ाया जा सके। तो अनुच्छेद 49 बी और सी को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से संपत्ति के संदर्भ में जो वर्तमान स्थिति है वो यही है कि 31 का में संपत्ति अर्जित करने वाली विधियों को व्यावृत्ति दी गई है, 31 खा के अंतर्गत बताया गया था, लेकिन इसे जो है बाद में 2007 के बाद संविधान पीठ ने जो बताया कि इसे भी अब व्याख्या करने के दायरे में लाया गया है। 31 गा जिसे 25वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1971 में जोड़ा गया था, 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 ईस्वी में जोड़ा गया था, और इसके माध्यम से यह बताया गया है कि 49 बी और सी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 31 जो कि बच रहा था उसका भी यहाँ पर विधिवत अध्ययन कर लिया। अभी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया था, तो अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह पुलिस बल के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए, सशस्त्र बलों के लिए या खुफिया एजेंसी के लिए मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य उनके अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना है, और इसके संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दिया गया है, और संसद के द्वारा इस तरीके से अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे चुनौती न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 34 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो, एक शब्द मार्शल लॉ है और एक मिलिट्री लॉ है, जिसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है सैन्य शासन, मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है सैन्य शासन, और मिलिट्री लॉ का तात्पर्य होता है कि सैनिक कानून, सैनिक कानून, सैन्य शासन और सैनिक कानून, सैन्य शासन और सैनिक कानून। सैन्य शासन का तात्पर्य है कि जहां पर मार्शल लॉ लगता है वहां पर सामान्य जो प्रशासन है वो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन सैनिक कानून जो है, जो मिलिट्री लॉ होता है, वो केवल सेना के ऊपर या सेना के संदर्भ में लागू होता है, लेकिन जो मार्शल लॉ होता है, जो सैन्य कानून होता है, सैन्य शासन होता है, सैन्य शासन, इसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, सैन्य शासन होता है, वहां पर उस क्षेत्र की सामान्य जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है और सैन्य शासन वहां पर संचालित हो रहा होता है। इसी के संदर्भ में यहां पर चर्चा की गई है कि इस तरीके का अगर कोई शासन है तो वहां पर मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाएगा। ये सैन्य शासन क्यों लगता है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई विशेष प्रकार की सशस्त्र विद्रोह इत्यादि की बात है तो वहां पर सैन्य शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तो वैसे भी इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं, कुछ अधिकार 21-20 को छोड़ करके बाकी सभी अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं या जो सीमित हो जाते हैं या स्थगित हो जाते हैं, इस तरीके की प्रावधान है। तो
और सैनिक कानून के अंतर्गत ये मूल विभेद है कि सैन्य शासन यानी कि मार्शल लॉ, इसके माध्यम से वहां पर सामान्य जो प्रशासन होता है वो इसके हाथ में आ जाता है, और सैनिक जो कानून यानी कि मिलिट्री लॉ होता है वो मिलिट्री लॉ केवल सैनिकों के ऊपर लागू होता है, इसके सामान्य प्रशासन और आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से सैन्य शासन और सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ के बीच में ये बेसिक अंतर होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी अधिकार के संदर्भ में शेष बातें थी उसका अध्ययन हम लोगों ने किया, और अभी हम लोग आने वाले क्लासेस में निदेशक तत्व का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच में हम लोग अंतर भी देखेंगे। यहाँ पर एक चीज और भी जान लेना आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों के दो भाग बटे हुए हैं, कुछ अधिकार सभी लोगों को मिलता है और कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो निवासी होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो नागरिक नहीं होते, लेकिन उनको भी जीवन के लिए, जीवन के मूल्यों के लिए अन्य सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल नागरिकों को जो है प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतिम भाग पर चर्चा कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि मौलिक अधिकार का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हम आने वाले क्लासेस में उस पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए, परीक्षा में आप लोग इससे संबंधित सवालों को हल कर सके। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, और पुनः हम एक नए क्लास में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।